तो दोस्तों देखिए, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। जो रुद्राक्ष लोग गले में पहनते हैं वही रुद्राक्ष का ये पेड़ है। देखिए रुद्राक्ष का पेड़ ऐसा होता है। जो लगाए हुए हैं वो तो खुद जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं लगाए हुए हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ। ये रुद्राक्ष का पेड़ देखिए कितना अच्छा है। अभी सब पेड़ छोटा है, 2-4 साल पहले लगा हुआ है। और इसमें फल होता है। फल होने के बाद इसको तोड़ते हैं सूख जाने के बाद, और तोड़ने के बाद इस बीज से रुद्राक्ष निकलता है, जिसको उसी में अब जो होता है, जो भाग रहता है अक्सर, हाँ वैसे पचमुखी निकलता है। लेकिन अब देखिए ये पेड़ में से कितना मुखी निकलता है, ये तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब इसमें फल देगा फिर आपको बताऊंगा जो इस फल में कितने मुखी का रुद्राक्ष निकलता है। देखिए अभी इस पेड़ का जो है तो थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो गया था, कि बगल का पेड़ कटा ना तो इसी पेड़ पर गिर गया था, इसीलिए थोड़ा पेड़ भी डैमेज हो गया था। देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है और अच्छा पेड़ है। अभी इस पेड़ का मोटा मोटी वही 5-6 साल लगाए हुए हुआ है, और मैंने सोचा जो ये बात आप लोगों को भी बताऊं, जो भाई रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाएं, नसीब वाले जो होंगे इसी रुद्राक्ष के पेड़ से एक मुखी अगर निकल जाएगा तो नसीब ही बदल जाएगा। लेकिन क्या पता ये रुद्राक्ष के पेड़ से कितना मुखी रुद्राक्ष निकलेगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। जब तक फल नहीं देगा तब तक तो इस पर कुछ बोलना ही ठीक नहीं है। सिर्फ अभी ये जानते हैं कि पौधा लगा दिया है, अब इसका क्या नतीजा होगा ये तो ऊपर वाला जानते हैं। देखिए चारों शहर से आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, और देखिए पेड़ का जो कोई ख़ास मोटाई नहीं है, और देख लीजिए पेड़, यही है रुद्राक्ष का पेड़। वैसे हर प्रकार का पेड़ हम लगाए हुए हैं, बारी बारी से आपको हर एक पेड़ का वीडियो मैं दिखाऊंगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई मैं नर्सरी नहीं खोला हूं, मैं एक खुद किसान हूं और मैं देहाती किसान हूं, और इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हर प्रकार का पौधा लगाए हुए हैं। जो आप लोगों को भी जानकारी देते हैं, अगर आपके पास में भी जगह है तो आप भी इसको लगाएं। लगाने के बाद ये सब कोई अच्छी बात है, देख लीजिए हवा में किसी चीज़ का पत्ता जो है इधर से उधर हो रहा है। एक किसान होने के नाते मैं हर प्रकार का पेड़ पौधा जो है तो अपने बागवानी में लगाया हूँ। समय के अभाव में देखिए कितना जंगल सा हो गया है, तो साफ करना भी ज़रूरी है। और देहात में भी अभी लेबर नहीं मिलता है, खुद जितना काम करके अपने साफ सफाई करना पड़ता है। देख रहे हैं आप, दोस्तों आज मैं आपको जो मैं रुद्राक्ष का गाछ लगाया हूँ उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो अभी तो मुझे रुद्राक्ष का पेड़ लगाए हुए ओनली सिर्फ 5-6 साल हुए हैं, अभी उस पेड़ से फल नहीं निकल रहा है। लेकिन जिस रुद्राक्ष के पेड़ से फल निकलता है उसको आप देखिएगा कि पहले उसमें हरा टाइप का होता है फल, और फल सूखने के बाद पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद या गिरता है या उसको पेड़ से तोड़ा जाता है, तो उसको लगभग 12 घंटा पानी में ग्लास में रख के उसको फुलाया जाता है। फूलने के बाद जब उसको आप किसी लोहे के ब्रश से या सिर्फ भूई से भी उस पर से खरोचेंगे तो देखिए ऐसा फल निकलता है, देख सकते हैं। ये अपने गाछ का जो है किसी कोई साथी मेरा दे गया था,
उसी फल से निकाल के मैं ये पांच रुद्राक्ष आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से रुद्राक्ष का फल होता है और पेड़ से निकलता है। जो भी आप रुद्राक्ष अभी देख रहे हैं इसमें छेदा भी नहीं है, छेदा करने में भी परेशानी होता है, हम लोग को मालूम भी नहीं था। इसमें होता है कि जिस समय में फल से आप रुद्राक्ष निकालते हैं उस समय में भीगा हुआ रहता है, उसी समय में इसको आप किसी लोहा के पतला रोड से, जिसको टकवारी भी कहते हैं या सुई भी मोटा वाला कहते हैं, उससे छेदा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। नहीं, अगर बाद के भरोसे रहिएगा तो बहुत परेशानी होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार खजूरी मधुबनी से हूँ और आज मैं आपको अपने यहाँ जो रोपा हुआ हूँ रुद्राक्ष का पेड़ उसके बारे में बता रहा हूँ, जिसका वीडियो भी आप देखे होंगे। उसमें ऐसा है कि पेड़ लगभग हमको लगाए हुए 6-7 साल हुआ है। पहले उस पेड़ को भी मैंने गमला में लगा के रखा हुआ था, पेड़ बड़ा हो गया तो उस गमला से निकाल के उसको हम मिट्टी में लगाए। अगले साल ऐसा हुआ कि एक पेड़ वहीं पर काट रहे थे, वो पेड़ का डाली जो है उस गाछ पर गिर गया, उससे गाछ भी थोड़ा डैमेज हो गया। और जैसा आप देखे हैं वीडियो में, जैसा गाछ आपको हम दिखाए हैं, तो मुझे उम्मीद लगता है कि 1-2 साल के बाद वो फल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यही नसीब की बात है। अगर इसी पेड़ से देखिए कि एक मुखी भी रुद्राक्ष निकलता है, दुमुखी निकलता है। अभी जो मैं ये आपको दिखाया हूँ, ये रुद्राक्ष जो आप देख रहे हैं टोटल 5 मुखी रुद्राक्ष है। और जिसका नसीब अच्छा रहता है उसको तो एक मुखी भी मिलता है। तो अपने आप में अगर जगह हो तो रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाना चाहिए। इससे होता है क्या कि आप अपने पेड़ का माला बना के अगर आप पहनेंगे तो आपको भी एहसास होगा, नहीं भगवान ने कहीं आपको नसीब बदलने का काम किया तो हो सकता है उसी पेड़ से आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। और एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो तो साक्षात उसमें भोलेनाथ का ही वास रहता है और बहुत भाग्यवान आदमी को मिलता है। जिसका नसीब बहुत अच्छा होता है उसी आदमी को एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। तो दोस्तों आज रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं लगभग जो मेरे मन में आया, जो लोगों ने कुछ बताया, उस हर चीज़ का पौधा मैं लगा के रखा हूँ। लेकिन वो पौधा में फल कब आएगा ये तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन लगा के रखे हैं। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं जाते हैं, और हम भी भोलेनाथ का सेवक हैं, और भोलेनाथ का सेवक होते हुए मैं रुद्राक्ष का पेड़ लगाया हूँ, और जिसके चलते मैं हर वक्त रुद्राक्ष का माला पहनता हूँ। और रुद्राक्ष का माला वैसे हम लोग के बगल में भी नेपाल है, नेपाल में अच्छा और सस्ता रुद्राक्ष मिलता है, अपने यहाँ से सस्ता मिलता है। अपने यहाँ तो मैं भी बराबर टूर पर ही रहता हूँ, तो कभी बनारस गया कभी कहीं गया तो वहाँ से रुद्राक्ष का क्वालिटी मैं खोजता रहता हूँ। तो आप जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ वैसे ही मैंने भी सुना था किन्हीं यूट्यूबर से, तो फिर मैं भी गया नर्सरी से एक ठो पेड़ लगा के पेड़ लाया और उसको लगाया, और आज देखिए इतना बड़ा पेड़ हो गया है। तो दोस्तों ये भोलेनाथ का जो है, और बड़े बड़े जो आपको ज्योतिषाचार्य भी आपको 5मुखी 7मुखी 9मुखी आपको बताएंगे रुद्राक्ष पहनने के लिए। रुद्राक्ष में ये कहा गया है कि आपका कोई ऐसा भी रुद्राक्ष होता है जो आपका जो परेशानी है, मानसिक परेशानी शारीरिक परेशानी, उससे वो दूर होता है। जितना मुखी वो पहनने के लिए कहेंगे ज्योतिषाचार्य जी, और उसको आप ग्रहण करते हैं पहनते हैं तो निश्चित रूप से वो भला करता है, ऐसा बात नहीं है कि भला नहीं करता है। हम लोग भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं और वैसे हर इंसान को पहनना चाहिए, ये तो भोला बाबा का प्रसाद है रुद्राक्ष, ये भोला बाबा के ही प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। और खास के पेड़ लगाइएगा तो उसमें बहुत खासियत है पेड़ में, कभी आपको वैसे जनरल में 5मुखी तो निकलता ही है पेड़ से, उसी में अगर आप अपने उसको सही स्थान पर लगा रखेंगे, दूसरे कोई उसके फल को नहीं तोड़ सके, तब तो ये जितना भी आपके गछ में फल लगेगा, पेड़ में फल लगेगा,
उसका तो आपके निकट तक उसका आना निश्चित हो जाता है, लेकिन खुला स्थान में अगर पेड़ लगाइएगा रुद्राक्ष का और वो उसमें फल देख के वो फल गिरेगा तो हो सकता है कि आपके पास में नहीं आ पावे। लोगों को जब जानकारी हो जाता है कि ये रुद्राक्ष का पेड़ है और फल देना शुरू कर दिया है तो अक्सर हाँ लोग घूमते फिरते वहाँ तक एक बार चले जाते हैं, और नहीं जानकारी रहता है तब तो कोई बात ही नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे लोग अगर आप बाउंड्री वाल के अंदर में नहीं लगाए, हम लोग भी अभी जहाँ पेड़ लगाए हुए हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का बाउंड्री वाल नहीं है, खुला जगह है, लेकिन खुला जगह है इसलिए अभी हम लोग निश्चिंत हैं। जो अभी उस गाछ में फल देना ही नहीं शुरू किया है, जब फल देना शुरू करेगा तब फिर उस पर सोचा जाएगा कैसा फल निकलता है, ये भी देखना होगा। अगर अच्छा माने मुखी रुद्राक्ष निकला उसका जो है सब